पिछले वाले वीडियो में हमने बेसिक श्रृंखला कैसे निकाला जाए, उसके लिए क्या क्या चीज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है वो हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्रृंखला के ऊपर हम बिंदु से कैसे आर्ट वर्क कर सकते हैं। श्रृंखला प्रैक्टिस करने के लिए हमने जैसे बताया कि आपको केंद्रवर्धिनी और राउंड की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। बेसिक निकालने के लिए हमने पहले देखा था कि आपको दो लाइंस ऊपर से निकालनी है, जो आप दो उंगलियों की सहायता से भी निकाल सकते हो। इस वीडियो में हम डायरेक्टली ही ज़मीन पे निकाल रहे हैं, आपको डायरेक्टली ही आना चाहिए। आगे जाके हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टवर्क करने वाले हैं, आप हर वीडियो ज़रूर देखिए। ये कंप्लीट श्रृंखला हमने बेसिक यहाँ पर निकाली है। अभी देखेंगे कि इसके ऊपर हम बिंदु से कैसे आर्टवर्क कर सकते हैं। बिंदु निकालने के लिए मेरे साथ महेंद्र सूर्यवंशी जी अभी हैं, वो अभी बिंदु आपको दिखा देंगे। बिंदु निकालने की जो स्थिति है वो हमने पहले ही बताई आपको कि आपको सीधे हाथ आपको रखना है। अभी आपको ये महेंद्र जी निकाल के दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम स्टेप के बिंदु निकाल रहे हैं। नॉर्मल प्रैक्टिस करने के लिए हमने बस सीधे ही स्टेप के बिंदु निकाले, लेकिन यहाँ पर हम कुछ एक अलग टर्न यहाँ पर हम ले रहे हैं। अब आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस स्टेप के बिंदु के लिए है, बस सबसे उससे ही ज़्यादा से ज़्यादा हम आपकी रंगोली अच्छी आ सकती है। तो स्टेप के बिंदु आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस वीडियो में हमने देखा है कि श्रृंखला के ऊपर हम बिंदु से कैसे आर्ट वर्क कर सकते हैं। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो श्रृंखला हमने बेसिक निकाली है उसके ऊपर हम कुछ लाइंस निकाले हैं। आप इसको ये शंख का आकार भी कह सकते हो या फिर गुलाब की पंखुड़ियाँ भी इसको आप कह सकते हो।